आज हमारा एक नए मास्टर हैं हमारे साथ, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने और हम सब उनके बारे में जानते भी हैं। अरुणा मैडम को ये मैसेज आता है शाम को, वही 9:40 पर उनका मैसेज है, 6 अप्रैल का 1994 को एक मैसेज आता है। तो ये है महर्षि दुर्वासा का मैसेज। महर्षि दुर्वासा, अब हम दुर्वासा ऋषि को वैसे तो जानते कि बहुत क्रोधी ऋषि थे, वो बहुत गुस्सा आता था उनको, तो हम शायद यही जानते हैं उनके बारे में कि वो श्राप दे देते थे, जो भी सामने दिखता था उसी को श्राप दे देते थे। तो अब दुर्वासा ऋषि हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं? तो पहली लाइन में कह रहे हैं कि मेरी पर्सनल जो लाइफ है उसकी तरफ से आप लोगों को कोई संदेश नहीं है। मेरा जो पर्सनल लाइफ है, जैसे आप लोगों की लाइफ है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, इसी तरीके से मैं भी एक साधारण व्यक्ति था और मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ की तरफ से मेरा कोई मैसेज नहीं। फिर वो कहते हैं बहुत अच्छा है और हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। वो कहते हैं कि मैं कोई मुनि नहीं हूँ जो तुम लोगों ने बना दिया कि एक ऐसा मुनि कि भाई जो फेमस हो गया अपने एंगर के लिए, शॉर्ट टेम्पर्डनेस के लिए, कि मैं 1 मिनट में गुस्सा कर देता था और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बहुत गुस्सा करता हूँ मैं। तो ये मैसेज है कि तुम ये मत सोचो कि मेरे को गुस्सा आता था। वो कहते हैं कि मैंने भी उसी तरीके से निर्वाण की प्राप्ति की जैसे महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। वो कहते हैं कि आप इस बात को ध्यान से समझिए कि बुद्धा को और जैसे जीसस को निर्वाण की प्राप्ति हुई, ऐसे ही मुझे भी निर्वाण की प्राप्ति हुई, लेकिन जो लोग हैं वो मेरे बारे में इस तरह की बात जानते ही नहीं और वो बातें करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा दुर्वासा ऋषि तो ऐसे थे कि जिनको गुस्सा आता था। तो अब वो बताते हैं कि जो मेरा जीवन है उस लाइफ टाइम में, उस मेरे जन्म काल में मेरा जीवन क्या था, मेरे जीवन का उद्देश्य था कि जो मेरे साथ के जो ऋषि हैं, जो साथ के मेरे राजा हैं, उनको ध्यान सिखाना मेरा उद्देश्य था। और मैं अपने चारों तरफ ये देखता था कि जो राजा हैं और जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत एडवांस थे मेडिटेशन में, और वो जब मेडिटेशन करते थे तो उनको जो एनलाइटनमेंट करने के लिए वो प्रयास नहीं करते थे, सिर्फ मेडिटेशन करते थे, एनलाइटनमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ते थे। वो कहते हैं कि इतने एडवांस होने के बाद भी वो अपने लालचों में अपनी सिली मिस्टेक्स करते थे, गलतियां कर बैठते थे। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जब मैं उनको मेडिटेशन सिखाता, परसूट ऑफ एनलाइटनमेंट के बारे में बताता कि किस तरीके से तुम्हें एनलाइटनमेंट मिलेगा, और वो फिर भी गलतियां करते थे, तो उस वक्त मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि मेरा जो गुस्सा था वो उनकी मेडिटेशन होने के बाद भी, वो अच्छे मेडिटेटर होने के बाद भी, एस्ट्रल ट्रेवल करने के बाद भी गलतियां करते हैं, तो मेरा गुस्सा जो है वो मुझे गुस्सा आ जाता था कि तुम ये गलतियां क्यों करते हो। लेकिन वो ये बताते हैं कि जिन लोगों ने मेरे इतिहास को लिखा, मेरे इतिहास को लिखते हुए उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने किस वजह से अपने गुस्से को जाहिर किया, उन्होंने वो चीज लिखी कि जब मैं गुस्सा करता था तो उस प्रेजेंट टाइम को तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो राजाओं ने और जिन ऋषियों ने गलतियां की, दूसरों को श्राप दिया, उस वजह से मुझे गुस्सा आता था, ये बात लिखना वो मेरे इतिहास को लिखने वाले भूल गए।
और आप लोगों को इस बात की गलत फहमी हो गई कि मैं दूसरों को गुस्सा करता हूँ, दूसरों को श्राप देता हूँ। तो अब वो कहते हैं कि तुम ये बताओ, कि तुम खुद सोचो कि क्या एक व्यक्ति ऐसी बिना बातें गुस्सा करता है? क्या मेरे इमोशंस नहीं है? क्या मेरा परिवार नहीं है? क्या मेरे बच्चे नहीं है? तो मैं गुस्सा क्यों करूंगा? मेरे को गुस्सा क्यों आएगा? आप खुद सोचो, वो ये मैसेज हमें दे रहे हैं। तो मुझे भी याद आ रहा है कि वो पढ़ रही थी मैं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ डेना मेरियम की। तो उसमें भी जो ऋषि थे, डेना मेरियम बताती हैं कि राजा जनक के समय में जब सीता माँ थी और सीता माँ की जो दासी थी, जो डेना मेरियम खुद अपने आप को बताती हैं, वो कहते हैं कि उस वक्त भी महर्षि ने उनके परिवार को श्राप दिया था कि तुम्हारे परिवार में कोई भी बच्चा लड़का ना रहे। तो अगर एक महर्षि है जो एक मेडिटेटर है, और वो एक मेडिटेटर ऐसा श्राप दे सकता है कि उसको इतना गुस्सा आएगा कि वो श्राप दे देगा, तो यही बात यहाँ पर महर्षि दुर्वासा बोल रहे हैं कि मेरा गुस्सा सिर्फ उन लोगों पर था कि जो अच्छे मेडिटेटर होते हुए भी, अच्छी साधना करते हुए भी, कभी भी आगे एनलाइटनमेंट के लिए आगे बढ़े ही नहीं, सारा जीवन भर एनलाइटनमेंट ना करके दूसरों को श्राप देने में लगे रहे। तो तब मुझे गुस्सा आता था। तो मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण मास्टर हूँ, और मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना बुरा तुम मेरे बारे में सोचते हो। वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों की तरह ही मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, बच्चे, और मैं उनके साथ आराम से रहता था, और मेरा जो ऑफिशियल काम था वो था कि दूसरों को, जो राजा हैं उनको मैं जाकर मेडिटेशन सिखाता था, उनको, जो ऋषि बनना चाहते थे उनको मैं जाकर ध्यान सिखाता था। तो ये मेरा जो जीवन शैली थी मेरी उस जन्म में। और मेरे को लेबल क्या दे दिया गया, मेरे पीछे एक लेबल लगा दिया गया कि ये तो बहुत ही गुस्से वाला, रूथलेसनेस एक मास्टर है। और जबकि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा बुरा ऋषि नहीं था। तो ये बात आगे बताते हैं। फिर आगे बताते हैं कि मैं बुद्धा भी हूँ और मैं जीसस भी हूँ, मैं दोनों ही हूँ। तुम क्या सोचते हो कि क्या मैं प्रेम को, उस आत्म प्रेम को नहीं समझता था? मैं आत्म प्रेम को समझता था, इसीलिए मैं दूसरों को जाकर उनकी मदद करता था, उनके परिवार की सुनता था, उनको ध्यान सिखाता था। तो अगर सिर्फ मैंने प्यार की बात नहीं करी जीसस की तरह, तो तुम ये मत समझना कि मेरे अंदर वो प्यार था ही नहीं। वो बात ये समझा रहे हैं कि जो मेरा जो जीवन है, मेरा जो आध्यात्मिक जीवन है, वो भी एक निर्वाण की तरह ही मतलब बीता। और मैंने अपने जितने भी मेरे शिष्य हैं, जो ऋषि हैं, जो राजा हैं, उन सबको मैंने निर्वाण होने की शिक्षा दी। तो जैसे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, ऐसे ही मैंने भी निर्वाण की प्राप्ति की है। तो ये बात बताते हुए अब आगे बताते हैं कि जब जीसस का समय था, जिस वक्त जीसस आए, तो उस वक्त इतना माहौल पूरे समाज का खराब था कि वहां पर वैल्यूलेस कल्चरल सिस्टम बताते हैं कि उस वक्त बहुत भयानक स्थिति थी। और इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए सिखाया, जबकि मेरे समय में ये स्थिति नहीं थी। मेरे समय में स्थिति दूसरी थी, इसीलिए जीसस क्राइस्ट को लव के माध्यम से बताया गया कि तुम आपस में प्रेम से रहो, और प्रेम से रहते हुए ही तुम एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सकते हो। सेम इसी तरीके से
जब बुद्धा का टाइम पीरियड था आज से 2500 साल पहले, उस वक्त लोग थोड़े से ज्यादा मेच्योर थे, और वो बताते हैं कि बुद्धा ने पूरी कम्युनिटी को ठान लिया था कि मैं पूरी कम्युनिटी को एक बहुत अच्छे लोगों को बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ, ताकि पूरी समाज एक अच्छा रास्ता अपना सके ध्यान के माध्यम से। और जीसस क्राइस्ट क्या चाहते थे कि मैं प्यार सिखाकर अलग-अलग मास्टर्स को क्रिएट करूं, ताकि हर घर में एक ऐसा मास्टर हो जो प्यार सिखा सके। तो इसी तरीके से जो मेरा जीवन था, वो मेरा जीवन भी उस टाइम पीरियड में, उस युग में, उस काल में मेरा जीवन के लिए एक चैलेंज था कि मैं उस चैलेंज में किस तरीके से अपने आप को रख सकूं। इसीलिए मैं जो ऋषि गलत सिखाते थे या गलत श्राप दे देते थे, मैं उनके प्रति गुस्सा करता था, इसीलिए मेरा क्रोध जायज है। लेकिन आप ये मत समझना कि मेरे को निर्वाण नहीं मिला या मेरे को एनलाइटनमेंट नहीं हुई, मेरे को सेम बुद्ध और जीसस की तरह एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। तो इस तरीके से वो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, और मैं आप सबको भी यही बात कहना चाहता हूँ कि आप भी जीसस और बुद्धा की तरह वो एनलाइटनमेंट को अटेन कर सकते हो, प्राप्ति कर सकते हो। और नाम कोई भी हो, चाहे जीसस हो, चाहे बुद्धा हो, और चाहे दुर्वासा ऋषि हो, वो कहते हैं कि नाम से फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि तुम ध्यान कितना करते हो, फर्क ये पड़ता है कि तुम किस तरीके से अपनी मोक्ष की प्राप्ति करते हो, लिबरेशन की प्राप्ति करते हो, कितना आप आगे बढ़ते हो, ये डिपेंड करता है आपकी साधना के ऊपर कि आप कितना अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। तो इस तरीके से आप अपने चारों तरफ जो आपका समाज है, उस समाज में जो भी आपके चारों तरफ समाज है, उस समाज में अपने लोगों को, हर व्यक्ति को बताओ कि ध्यान साधना कितनी जरूरी है। हरिया।